प्रदर्शन कर रही है तो जाट समाज के लोग भी माफी की मांग कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी नेता मिमिक्री कांड से अलग निलंबन का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पूरे विवाद को जाति का रंग दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उनका मकसद अपमान करने का नहीं था। बीजेपी से जाट समाज का अपमान बता रही है तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मेरी जाति पर भी हमला हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने कहा देश के किसान इसका बदला लेंगे। तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम भी किसानों के हक की बात करते हैं। जहां बीजेपी अभी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का वीडियो उनके फोन में है। और ऐसे में मिमिक्री कांड के साथ ही अब सांसदों के निलंबन पर भी सियासी संग्राम जारी है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। संविधान पद का और आपका अपमान किया है तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो लड़ाई संसद से शुरू हुई थी जिसे मुद्दा संसद परिसर में बनाया गया अब उस अपमान की आग सड़कों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और निशाने पर राहुल गांधी हैं। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मिमिक्री मास्टर टीएमसी सांसद, तीनों माफी से इनकार कर रहे हैं और सफाई में निलंबन को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब इसी इनकार पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू, ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। तो याद रखिए, यह केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है। एक तरफ बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर संग्राम छेड़ चुकी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी सांसदों के निलंबन पर माहौल टाइट कर चुकी है, जिसकी तस्वीर दिल्ली से आई जब विजय चौक से लेकर संसद भवन तक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी दलों के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और संसद सुरक्षा चूक पर भी सवाल दागे। एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। यानी विपक्ष मुक्त संसद की आवाज 24 तक सुनाई देने वाली है तो 24 में कांग्रेस से बदला लेने के लिए जाट समाज भी लामबंद है, जिसकी तस्वीर शहर शहर से आ रही है और उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी की मांग जारी है। क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है ये अपमान सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि जाट समाज का है, किसान भाइयों का है और देश की 125 करोड़ जनता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनीता शेरोन को चुनाव